नमस्कार, मैं रजा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। ये दुनिया दो तरीके के लोगों के बीच बटी हुई है। एक जिन्हें ईश्वर पर पूरा भरोसा है, आम भाषा में इन्हें आस्तिक कहा जाता है, और एक ऐसे जिन्हें ऐसे किसी भी शक्ति पर विश्वास नहीं है, इन्हें हम नास्तिक कहते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मामले में कोई राय नहीं रखते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जब ईश्वर पर विश्वास ना करने वाले लोगों को भी अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत महसूस होने लगती है। ओम पर्वत, ये एक ऐसा रहस्य है, या यूं कह लीजिए ईश्वर का एक ऐसा ही चमत्कार है जो आपको एक बार फिर उनकी शरण में ले जाएगा और साथ ही आपके मस्तिष्क के बहुत से भ्रम भी दूर करेगा। लेकिन अब ओम पर्वत का अस्तित्व भी खतरे में है। जी हां, बर्फ से लदकर रहने वाला ओम पर्वत अचानक बर्फ विहीन हो गया है। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रही ओम की आकृति भी गायब हो गई। देखने के लिए बचा है तो सिर्फ काला पहाड़। ओम पर्वत की ऐसी हालत देखकर स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक और वैज्ञानिक भी हैरान हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं, ओम पर्वत से ओम की आकृति कैसे गायब हो गई और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ओम की आकृति गायब होना किसी प्रलय का संकेत है। उत्तराखंड का एक पहाड़ जिसे साक्षात भोलेनाथ का घर माना जाता है, किसी अनहोनी का संकेत दे रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित ओम पर्वत की। ओम पर्वत नाम से ही स्पष्ट है कि भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। इस पर भी भगवान शिव का अस्तित्व माना जाता है और ये पर्वत भारत तिब्बत की सीमा पर मौजूद है। आश्चर्य की बात तो ये है कि इस पूरे पर्वत पर प्राकृतिक तौर पर ओम की आकृति बनी हुई है। ये आकृति यहाँ हर साल पड़ने वाली बर्फ से बनती है, लेकिन इस पर बनने वाली ओम की आकृति जो अब गायब हो चुकी है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ओम पर्वत पर साक्षात ओम की आकृति बनती थी। देश दुनिया से तमाम लोग कुदरत के इस करिश्मे को देखने के लिए पहुंचते थे, लेकिन इस साल जब लोग इस ओम पर्वत को देखने पहुंचे तो नजारा कुछ और ही था। यहाँ पर्वत तो था, लेकिन उससे ओम की आकृति गायब थी। ऐसे में सवाल ये है कि पर्वत से ओम की आकृति को मिटाने वाला कौन है? आपको बता दें कि उत्तराखंड का ओम पर्वत 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस पहाड़ के बीचों बीच नजर आने वाली ओम की आकृति किसी चमत्कार से कम नहीं, और इसी वजह से इसका नाम ओम पर्वत पड़ा। लेकिन अब सामने आ रहे वीडियो से पर्वत से ओम की आकृति गायब हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण है बर्फबारी का ना होना। जानकार इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुछ लोग मानवीय हस्तक्षेप को भी बड़ी वजह मान रहे हैं, तो वहीं कई लोग ओम की आकृति का गायब होना अशुभ संकेत मान रहे हैं। ये प्राकृतिक संतुलन में गड़बड़ी, आध्यात्मिक शक्ति में कमी या किसी बड़े परिवर्तन का संकेत माना जा रहा है। कई लोग मानते हैं कि ओम पर्वत पर ओम की आकृति का होना एक चमत्कार है और इसका गायब होना किसी दैवीय शक्ति के हस्तक्षेप का संकेत हो सकता है, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ओम पर्वत पर बनने वाली आकृति इस बार गायब हो गई है। बर्फ की चौदह से ढका रहने वाला ओम पर्वत अब सिर्फ एक काले पहाड़ जैसा नजर आता है। पहले इस पहाड़ पर साल भर बर्फ जमी रहती थी, लेकिन इस बार अगस्त के महीने में ही बर्फ पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, जिसकी वजह से ओम की आकृति हट गई। बता दें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर नाभिडांग के पास से ओम पर्वत के दर्शन होते थे। श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी एक दिन ओम पर्वत से ओम ही गायब हो जाएगा। ओम पर्वत भारतीय धर्म और संस्कृति में गहरी जड़ें रखता है। ओम पर्वत से ओम की आकृति के गायब होने को लेकर कई तरीके के धार्मिक और वैज्ञानिक बातें हो रही हैं। आपको बता दें कि स्कंद पुराण के मानस खंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा को कैलाश मानसरोवर यात्रा जितना सार्थक माना जाता है। यही कारण है कि ओम पर्वत को छोटा कैलाश भी कहा जाता है। इस पर्वत की विशेषता यह है कि जब इस पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो ओम की आकृति अलग ही चमकती है।
वो पल बेहद ही अद्भुत और अलग ही अनुभूति वाला होता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि बर्फ कम होने के बावजूद ओम पर्वत की आकृति कभी भी नहीं मिटी। ऐसा पहली बार हुआ है कि ओम पर्वत की पूरी बर्फ पिघल गई और आज ओम की आकृति भी गायब हो गई। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।